नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने मुझे अनकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो फटाफट अनकैडमी में फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं EVS का सेशन। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर EVS का सेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो काफ़ी सटीक आंसर आपको आज मिलने वाले हैं। लगभग समझ लीजिए कि एक से दो ही क्वेश्चन इधर हो सकते हैं और तीन क्वेश्चन बस डाउट में, बाकी सभी का एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको मिलने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर फर्स्ट है ये। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, भारत और बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। तो आई थिंक आप लोग ने यहाँ पर लगा कर आया होगा तीसरा विकल्प, तो ये बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसे सबसे धीमी होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, अगर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी अगर आपने लगा कर आया है फ्रेंड, तो बिल्कुल सही है ये। आगे हम चले 63 नंबर के क्वेश्चन में। स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, तो कैसी क्षमता होती है। देखिए, ये ना चित्रात्मक कौशल में ले रहा हूँ, पर इसका ना ग्राफिकल कौशल भी हो सकता है। तो मेरे तरफ से जो फाइनल आंसर है वो है चित्रण कौशल, पर समटाइम्स इसका डी भी राइट आंसर हो सकता है, तो ये कहूँगा एक डाउट वाला क्वेश्चन मेरे लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जिसमें किसी को भी यहाँ पर डाउट नहीं है, आई थिंक NCF 2005 आपने लगा कर आया होगा, बिल्कुल सही है। और ये अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम यहाँ पर। तो ये भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती का रिवाज है। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 64 है ये, और राइट आंसर जो आपके पास आया हुआ है 65 नंबर का, वो पहला है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। आगे हम चले 66 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पर नदी के बांध में उत्पन्न जल विद्युत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ही है ये कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, अगर आपने ये टिक किया है तो डेफिनेटली आपको एक नंबर मिल चुके हैं। आगे हम आपको रख लें। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है 67 में। तो देखिए, ये चारों ही आपको जो दिखाई दे रही है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, जलवाष्प। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर मिलता है वो डी होगा। आगे हम आपको रख लें। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, 68 नंबर की हम बात करेंगे। तो देखिए, तीसरा विकल्प आपको एकदम सही है, 101% सही है ये, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, ये बात आप मेरी लिख कर ले लीजिए। 69 नंबर के क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो देखिए, ताजमहल, ये क्वेश्चन किसी ने भी गलत नहीं किया होगा आज आई थिंक, कि जो ताजमहल में पीलापन जो हो रहा है ये आपको पता है एसिड रेन के कारण हो रहा है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, 69 नंबर का क्वेश्चन है। और चलते हैं हम यहाँ पर 20 नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ देखिए, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। तो आई थिंक आपने सही किया होगा इसको, तीसरा ऑप्शन जो होगा अगर आपने लगाया हुआ है तो बिल्कुल सही है। आगे आपको रख लूँ यहाँ पर जो 71 नंबर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, राइट आंसर यहाँ पर आपको मिलता है इसका बी, 45 ग्राम्स। आगे हम आपको रख ले 72 नंबर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है, तो वो है द्रव्यमान, ए आपका सही विकल्प होगा। ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है वो क्या कहलाती है, 73 की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वो होगी आपकी अपारदर्शी, पहला वाला जो है राइट है। आगे हम चलें। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से, देखिए इसमें तो इस क्वेश्चन से मैं एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आपने आई थिंक ये लगाया होगा तो थोड़ा बहुत सही है, बाकी यहाँ तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है तो कुछ कह नहीं पाऊँगा इसके बारे में मैं। 75 में चलते हैं। तो 75 नंबर के अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो बोला गया है एक विलय और विघटन पर खालिस्तान पर निर्भर करता है, 75 नंबर का क्वेश्चन है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि तापमान पर करता है, पर यहाँ पर सतह क्षेत्र हो सकता है, यहाँ पर 10% सतह क्षेत्र की चांसेस है और 90% यहाँ पर तापमान के चांसेस है, थोड़ा सा मैं कहूँगा इसमें हल्का सा। और 76 नंबर में आप जाएंगे यहाँ पर, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा एक करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो ये होगी आपकी डी वाली राइट आंसर होगी, कि यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने के लिए कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे आपका चलता है 77 नंबर का क्वेश्चन, आई थिंक इसका आंसर आपने लगाया हुआ है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, आप पढ़ चुके होंगे इसे। तो देखिए, इसमें बच्चे को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है, 77 नंबर का। और आ जाता है हम यहाँ पर 78 नंबर के क्वेश्चन में। तो चलिए देख लेते हैं 78 नंबर का जो है
उसका राइट आंसर पहला होगा आपका संज्ञानात्मक दृष्टिकोण 78 का, और यहाँ पर ना तीसरे में भी डाउट है, तो दोनों में से एक सही निकलने वाला है ये। इन दोनों में थोड़ा सा डाउट कहूँगा मैं, और इसके बाद आगे मैं आपको रख लूँ तो 79 नंबर का क्वेश्चन है ये। 79 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ना तीसरा विकल्प आपको सही मिल जाता है। और बात करूँ मैं यहाँ पर 80 नंबर की, तो 80 वाले में मैं यहाँ पर जो मानूँगा सही विकल्प वो मानूँगा चौथे वाले को। थोड़े वो चांसेस दूसरे के भी हैं, पर यहाँ मेरे हिसाब से चौथा सही रहेगा। 81 वाला क्वेश्चन आई थिंक आपने पढ़ तो लिया होगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी है। तो 81 का अगर मैं राइट आंसर यहाँ पर लेता हूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर होगा तीसरा, और जो बिल्कुल सही है और इससे कोई गलत नहीं कर सकता ही कहूँगा मैं। 82 नंबर के प्रश्न में हम जाएँ तो दूसरा सही निकलेगा, फील्ड भ्रमण। अगर हम EVS की बात करें तो फील्ड भ्रमण में यहाँ पर उपयुक्त सभी आप काफ़ी लोगों ने लिया होगा, पर आपको यहाँ पर लेना था फील्ड भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण जो होता है ना वो सही आंसर था। अब यहाँ देखिए 83 में आप लोगों को लेना था यहाँ पर उपयुक्त सभी, आई थिंक आपने वही लिया हुआ है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और चलिए थोड़ा सा जूम कर दिया जाए 84 में, बताइए आप लोगों ने 84 में क्या लगा कर आया है। तो 84 में आपने लगाया होगा तीसरा, NCERT EVS की शायद ये पुस्तक का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा कर तो आते ही हैं वो। तो यहाँ देखिए तीसरा वाला सही है बिल्कुल। आगे आपको रख लूँ यहाँ पर 85 नंबर का, देखिए मिड डे मील ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए काफ़ी पढ़े हुए क्वेश्चन आए हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चन पढ़े थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा होगा, जो बच्चों का पेट खाली होता है ना वो उनके लिए ये मिड डे मील ज़्यादातर रखी गई है, जो खाना वाना अच्छे से नहीं मिल पाता है कहना चाहिए। 86 में अगर हम जाएंगे तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो देखिए यहाँ पर स्कूल बैग का वजन कम करना, ये भी एक अच्छा विकल्प मुझे लगा है इस वाले विकल्पों के लिए, और एक ना ये भी लगा हुआ है, तो आई थिंक दोनों में से एक सही निकलना चाहिए। आपने अगर पहला ज़्यादा समर्थन करता हूँ मैं पहले वाले का, स्कूल बैग का वजन कम करना। चलता हूँ 87 नंबर के क्वेश्चन में, तो देखिए EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। 87 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, और यहाँ आई थिंक मुझे लगता है कि तीसरा विकल्प यहाँ पर मुझे सही लेना चाहिए 87 का, और आई थिंक आप लोग ने भी तीसरा लिया होगा ऐसा मेरा मानना है। आगे मैं चलता हूँ 88 नंबर के क्वेश्चन में, तो मुझे मिल जाता है बाला, इनका पूरा नाम क्या है 88 वाला, तो मैं यहाँ पे दूसरा लेना चाहूँगा, बिल्कुल सही भी है वो और एब्सोल्युटली राइट है। 89 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूँ वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है, तो 89 का दूसरा विकल्प मुझे यहाँ पर सही लगता है और बिल्कुल सही भी है वो, कोई दो राय नहीं है उसके लिए। देखिए दो तीन क्वेश्चन में डाउट ज़रूर हैं, और आई थिंक ये तो सभी ने सही किया है, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को 30 में से यहाँ पर 27 या 25 के आसपास ज़रूर मिले होंगे, काफ़ी इजी सेशन था EVS का, लगभग 5-6 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे थे तगड़े थे, और 3 क्वेश्चन में मैंने आपको डाउट दिया, और फाइनल आंसर शीट आप मैच कर ले, आई थिंक इससे काफ़ी मिलती जुलती आंसर शीट आपको मिलेगी। थोड़ा सा गला बैठा हुआ मेरा, इसीलिए उतना अच्छा सेशन नहीं दे पा रहा हूँ अभी, और लाइव क्लासेस भी नहीं हो पाएगी, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। तो पहले तो कहूँगा इसको एक लाइक कर दें और एक शेयर दे दें अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।